आज का हमारा टॉपिक है लव, सच और धोखा। एक्चुअली हम सीधे सीधे कह ही नहीं सकते कि आज हमारा शेखर स्पेशल है। खैर, शेखर ने आज तक मुझे कभी धोखा नहीं दिया, सच कभी मुझसे बोला नहीं, और लव करने लगा। लव मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करती। ये जो लटके झटके दिखाती सब नंबरों के लिए, वो इंसान ही क्या जो अपनी प्रेमिका की डकार भी ना पसंद करे। ये है हमारे आजकल के जमाने का प्यार। आपको तो पता भी नहीं चलेगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। What's up, babe? Fine. तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो वहां बैठी उस खूबसूरत हसीना से पूछ रहा हूँ। Hey, Arch. Looking hot, babe. हमेशा की तरह। शेखर जी, आपके सारे टिप्स फॉलो कर रहा हूँ मैं। Excuse me. मैं पिछले 7 मिनटों से आपको देख रहा हूँ। बदतमीज, 7 मिनट से मुझे देख रहे हो? ये नहीं कि प्रपोज करके पप्पी ले लूं। एक पप्पी तो बनती है मेरी, फिल्मों में काम करती हूँ मैं। अरे हाँ, वही तो मैं देख रहा था। तुम वही फिल्मों वाली लड़की हो ना जिसने 17 साइलेंट फिल्मों में काम किया है? ए, फिल्में नॉर्मल थी एक्चुअली मेरी। मेरी हरकतें ही ऐसी है कि जब मेरा सीन आता है लोग म्यूट कर देते हैं। मुझे प्यार नहीं करोगे? एक मिनट, कुछ काम बाकी रह गया। क्या कर रही हो? फेसबुक पे स्टेटस डाल रही हूँ, भारती सिंह इज एंगेज्ड अगेन। तो आओ फिर प्यार करें। फटाफट कर लो, सिर्फ मेरे पास 15 मिनट है। ये फटाफट क्यों? ए, फटाफट करना, 15 मिनट बाद मेरी शादी है। नहीं करना। तुम प्यार मुझसे करती हो, शादी किसी और से? यस बेबी। देखो, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं मेरे हाथ के बाल काट लूंगा। हाथ के बाल ही हाथ की नस होती है। अपनी अपनी क्रिएटिविटी भी तो होती है ना। तुम्हें क्या लगता है साथ डालो तुम्हारी स्क्रिप्ट में डालोगी? मुझे भी तो टैलेंट है। टैलेंट देख लो इसका, ऐसे डांसर होते डांस में फंबल मार रहे होते हैं। जा यहां से। आजकल का प्यार ऐसा ही होता है, एक मिनट में मुलाकात हुई और एक सेकंड में सब खत्म। अरे प्यार तो होता था अर्चना के जमाने में, 70s के जमाने में। लड़कियां क्या होती थी, हीरो को देखकर ही सांस फूल जाती थी। पता ही नहीं लगता था कि हीरोइन को अस्थमा की बीमारी है कि वो ऊंट पे बैठी हुई है। और कपड़े, हे भगवान, इतने टाइट होते थे, इतने टाइट होते थे कि किसी दुकान पे अगर ब्लेड भी पड़ा हो ना तो यहीं पे फट जाए। और हीरोइन कैसी होती थी, मुमताज जैसी, जो एक ही कैमरे पे 21 तरह के मुंह बनाती थी। कैमरे वाले को गुस्सा आता, सर ये काम नहीं कर रही, मुंह चिढ़ा रही है। खैर, तो आइए आपको अर्चना जी के जमाने, आई मीन 70s के जमाने में ले चले। हाय रब्बा, मैं अभी आती हूँ। छोड़ी से, जब देखो खेलता रहता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पिंटू डिसूजा? आधा घंटा लगता है मांग सेट करने में। अरे तो तुम क्यों परवाह करती हो, मैं भरूंगा तुम्हारी मांग रे। ए, मांग बाद में भरना, पहले पेट भर दो। तुझे बच्चा चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं खाने वाले पेट भरने की बात कह रही हूँ। वो वाला पेट वो तो वाला तुम पहले से ही भर चुके हो। पिंटू डिसूजा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो। अरे हमने तो पुष्पों से प्यार किया था, ये गुलदस्ता कहाँ से आ गया? ये बच्चा मेरा नहीं है, जाओ इसे जाकर किसी अनाथालय में छोड़ कर आओ। नहीं। मैं अपने बच्चे को किसी अनाथालय में नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी बड़ी जगह छोड़ूंगी। हाँ, बड़ी जगह? पुष्पा, तुम्हारे 3 BHK पेट से बड़ी जगह और कौन सी हो सकती है, बताओ। पिंटू डिसूजा,
मैं इस जमाने की बदनाम गलियों में नहीं जाऊंगी। अरे मोती, तेरे लिए तो हाईवे का ट्रैक भी छोटा पड़ जाए रे। तू क्या इन बदनाम गलियों की बातें कर रही है? ए, गर्मी इधर लग रही है, पंखी इधर कर, चल। ओके। ये होता था 70s का प्यार, कोई मजा ही नहीं। अरे प्यार तो होता था, अब पंखी लेके जा बाहर। अरे प्यार तो होता था 50s के जमाने में। क्या प्यार होता था, बिना देखे एक दूसरे को प्यार करने लग जाते थे, डालियों के साथ पकड़ पकड़ कर बातें करते थे, आगे उनका वंश तो बढ़ता नहीं था, डालियां बढ़ जाती थी। कितना स्लो स्लो, कितना भोला प्यार, और सिर्फ दो ही रंग। आज कल के जमाने की तरह नहीं कि इतने सारे रंग हो, सिर्फ दो ही रंग। और इतना प्यार होता था, इतनी पवित्रता होती थी कि दोनों एक तरह में इस डब्बे में मिक्स हो जाते थे और इस तरह एक ही कलर बनता था। और बस उनके प्यार की खुशबू इन रुमालों की तरह अलग अलग से उड़कर इधर उधर बिखर जाती थी। आइए आपको 50s का प्यार दिखाएं। तितली, ये लो, मीठा खा लो। मैं मीठा क्यों खाऊं? क्योंकि आज पहली तारीख है। तो तुमने वो एड नहीं देखा? कौन सा? मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। तितली, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चल झूठे गुगू बाबू। कल तो तुम गा रहे थे, एक तितली अनेक तितलियां। नहीं नहीं, वो मैं नहीं था, वो तो तुम्हारे पिताजी गा रहे थे। पिताजी? अब वो क्यों गाएंगे? हो सकता है वो तुम्हारी और बहने पैदा करना चाहते हो, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। सच गुगू बाबू? हाँ तितली, सिर्फ तुम्हारा। ये क्या कर दिया गुगू बाबू, तुमने मुझे छू लिया, अब कहीं मैं माँ तो नहीं बन जाऊंगी? डर पगली, तुम माँ नहीं बनोगी। देखो मैंने दस्ताने जो पहने हैं, ताकि हमारी दास्ताने मोहब्बत पर कोई दाग ना लगे। गुगू बाबू, तुम दाग की चिंता ना करो, घर जाते वक्त सर्फ एक्सेल लेकर जाना। और हाँ, अगर किसी के अच्छे के लिए दाग लगे तो दाग अच्छे हैं। तितली, अब मुझे जाना होगा। आज फिर पेट खराब है? नहीं नहीं, वैसे नहीं, मुझे गांव छोड़कर जाना होगा, मेरी नौकरी बंबई में डाक खाने में पक्की हो गई है। नहीं, तुम बंबई मत जाओ, तुम रंगून क्यों नहीं चले जाते? पर मैं रंगून क्यों जाऊं? ताकि मैं गा सकूंगी। क्या? मेरे पे आ गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी आज सताती है, जिया में आग लगाती है। देखा कितना कमीना निकला, छोड़ के चला ही गया। आज एक बात मैं समझ गई हूँ, मर्द चाहे इस जमाने के हो चाहे उस जमाने के, उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए। क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहूंगी कि मर्द चाहता है खाओ खुजाओ और बत्ती बुझाओ, हा? बिल्कुल भी नहीं, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, शेखर जैसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी बीवी मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा घर मिले, और कुछ अनु जैसे भी होते हैं, पत्नी व्रता। वो कैसे? अरे दूसरियों की पत्नियों के व्रता। ये क्या कर रहे हो? प्रणाम। ये मंदिर में खड़े हो तुम? नहीं नहीं, आइडल मान रहा हूँ। अरे ओवर एक्टिंग मत करो, नंबर मांग लो अर्चना से। हाँ जल्दी कर। हाँ अर्चना जी, 98। अबे ओ मोबाइल का नंबर नहीं, जो हमने किया उसके नंबर मांग लो। अच्छा वो वाले नंबर। हाँ सॉरी।